इन साथियों, मैं विशाल, एसएससी जीडी कैंडिडेट। आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल और पैदल मार्च का हम लोग का 25वां दिन है। हम लोग निकले थे तालमेर के लिए, जो कि 25 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन चलते चलते हमारे साथी चार साथी हमारे एडमिट हुए। आप देख सकते हैं इंजेक्शन का पूरी स्क्वाड। यहाँ पर एक हमारा साथी है, उसको भी तेज बुखार है। क्या हो गया तो? ये बुखार वाला है, बुखार वाला है, बुखार वाला। कब आए? ये सवेरे आया था, गोली लिया। और यहाँ पर है जो सवेरे हम लोग लाए थे, अभी एक साथी हमारा ये आया था विश्वजीत, वेस्ट बंगाल का, इसको भी तेज बुखार है। और ये लड़की जो है वो छत्तीसगढ़ की है सीमा, इसको भी हल्का हल्का बुखार है, लेकिन सबको मूवमेंटिंग और बुखार, तेज बुखार और मूवमेंटिंग। दिक्कत की बात यह है कि हम लोग इनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं है जो हम लोग इनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कर पाए। हम जैसे तैसे करके सरकारी हॉस्पिटल में इन लोग को एडमिट कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं अभी सरकारी हॉस्पिटल में इन लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथी जो बीमार है, लेकिन फिर भी पैदल मार्च में चल रहे हैं, क्योंकि वो देश सेवा करने का जुनून लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग जो वीडियो हमारा देख रहे हैं उनसे बस हम लोग हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि सर, आपने हम लोग को इतनी मदद की, और एक सहायता जरूर कीजिएगा, इन बच्चों को मेडिकल की सुविधा हम लोग को करवा के दीजिएगा। और आज हम लोग रुके हैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के तालमेरा में। हम लोग यहाँ पर ओपीडी में सभी बच्चों को एडमिट किए हैं। तो यहाँ के एसडीएम सर से हम लोग निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सर, आप लोग हम लोग को मेडिकल की सुविधा प्रोवाइड कीजिए, और एक दिन का मेडिकल कैंप हो सके तो हमारे लिए लगवाइए सर। हम लोग को देश की सेवा करने जा रहे हैं सर, हम लोग सभी भारत देश की रक्षा करने जा रहे हैं सर। तो आपका एक सर फर्ज होने के नाते, एक भारत का नागरिक होने के नाते सर, एक हम लोग को मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कीजिए, और कल हम लोग को हेल्थ चेकअप के लिए एक मेडिकल टीम भिजवाइए। जय जय भारत।